हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये महासी क्षेत्र का राजी चौराहा है और यहाँ पर तमाम ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। जैसी खबरें वायरल हो रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, किसानों की संख्या खेतों में कम हो गई है, लगातार आतंक जारी है, अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 घायल बताए जा रहे हैं। तो वास्तविकता क्या है? एक सूचना ये भी प्राप्त हो रही है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अब पूजा अर्चना मंदिरों में भी करनी शुरू कर दी है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ग्रामीण, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ है। लगातार 2 महीने से भेड़िए का आतंक जारी है और सब लोग परेशान, तो इससे लोग परेशान है। रात में न सो मिलता है, न खेती बाती में जाए मिले। अब उनके डर में खेत कोई जाए नहीं, बहुत है और खेतों चल जाते हैं, घरों नहीं बचाए मिलते। रात एक दिन जागो, 2 दिन जागो, कई दिन जागो, को लेकर के पूजा अर्चना की गई है और भविष्य में अगर इससे निजात मिली तो और की जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व प्रधान भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, पूजा अर्चना की बात चल रही है कि इस क्षेत्र में भेड़िया के प्रकोप से बचने के लिए अब पूजा अर्चना कराई जा रही है, तो क्या वास्तविकता है इसकी? नहीं, पूजा अर्चना तो हो रही है, क्योंकि जब शासन प्रशासन सब परेशान है, वन विभाग की टीमें और विधायक स्वयं अपने गनरों के साथ बंदूक लेकर के गश्त लगा रहे हैं, उनके लड़के लगा रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। सफाई कर्मी से लेकर के DM तक, जो भी स्वास्थ्य विभाग है, नहीं जितने विभाग हैं सब लगे हुए हैं। और कुछ भेड़िए पकड़े गए और कुछ अभी शेष हैं, शायद 2 शेष हैं। तो जब लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता, तब ऊपर वाले के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूजा कराई गई है मंदिर पे। 3-3 पंडित बैठ करके पूजा कराए हैं, फिर हवन हुआ है। 150-200 के करीब संख्या थी गांव की, और अब महिलाएं भी शामिल थी। हाँ, बिल्कुल, महिलाएं बच्चे सब थे। सीताराम सीताराम का जाप भी हुआ है और अब हम लोगों को पूरा भरोसा है कि सरकार के कर्मचारियों के साथ मिल करके, मतलब जनता भी ड्यूटी लगा रही है, प्रधान से लेकर के गांव के लोग 5-5, 10-10 लोगों की टीम बना के घूमते हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और बहुत ही जल्द जो बचे हैं 1-2 वो उनका अंत होगा। आदमी बहुत परेशान हैं और दिन रात का गथा है, सब कोई खेत का जाए नहीं पावत है, हरहा सब चरत हैं खेत, बहुत परेशान हैं सब। और जब से पूजा पाठ, विद्यालय में जो स्थिति बच्चों की है वो क्या है? विद्यालय जाते ना है बच्चे, कोई अपने छोटे बच्चे लेकर जाते ना है, अपने घर के अंदर राखत हैं और ही अपन बाप महतारी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ावा लिखावा है घर हैं, पर स्कूल कोई बच्चे लेके जाए जाते हैं। साथियों, ये ग्रामीण थे, अलग अलग लोग थे, अलग अलग बातें थी। अब ये देखने वाली बात होगी भगवान की भक्ति में कितना असर होता है और इनको ये आदमखोर भेड़ियों से कब निजात मिलती है।